अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने बेसिक ईपीएस के अंदर फुल प्राइस के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट को हमने देखा बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड, और फिर हमने बोनस के इम्पैक्ट को देखा द बेसिक ईपीएस। अब हम बेसिक ईपीएस के अंदर राइट शेयर्स के इम्पैक्ट को जो है वो साथ साथ देखेंगे। राइट शेयर्स में अगर आप देखें तो राइट शेयर्स होते क्या हैं कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं राइट प्राइस पे। अब अज्यूमिंग के एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 20 रुपीस, लेकिन इसकी राइट प्राइस जो है वो है फॉर एग्जांपल 15 रुपीस, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट के अंदर इस शेयर को इशू कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना होता है बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा, इसका बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर फॉर्मूला हम यूज करते हैं मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम लोग थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी कहते हैं, TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो ये हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेट सी बात है मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि जब शेयर्स हम पब्लिकली इशू कर देते हैं, राइट शेयर, सस्ते शेयर इशू करते हैं, तो शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को सेल भी करते हैं मार्केट में जाके। जब वो मार्केट में जाके सेल करते हैं तो एवरेज मार्केट वैल्यू जो है वो इसकी कम हो जाती है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि कंपनी जो है वो राइट शेयर्स दे रही है 2 राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स। मार्केट वैल्यू एक शेयर की है 20 रुपीज अज्यूमिंग, और राइट प्राइस जो है वो हम रख लेते हैं 15 रुपीज। ये हमारा डेटा है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 5 ऑर्डरी शेयर्स है, क्योंकि 5 शेयर्स के बदले कंपनी 2 राइट दे रही है। तो जिस इंडिविजुअल के पास 5 ऑर्डरी शेयर्स थे वो होंगे एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 20। इसका मतलब वो जो 5 शेयर्स एक बंदे के पास थे उसकी वर्थ थी 100 रुपीज की। उसके बाद उसने 2 शेयर्स इशू किए, लेकिन वो शेयर अब इसको कितने के मिले हैं, 2 राइट शेयर्स कितने के मिले हैं, 15 रुपीज़ के हिसाब से मिले हैं। तो ये हो जाएगा 30 का अमाउंट। तो इन टोटल मेरे पास होगा 7 शेयर्स, और 7 शेयर्स की टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 130 रुपीज़। तो पहले 5 शेयर्स मुझे 20 रुपये के पड़े, उसके बाद 2 शेयर्स मुझे 15 रुपये के पड़े। तो अगर मैं देखूँ मुझे ऑन एवरेज एक शेयर कितने का पड़ा, तो इसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू, 130 अपॉन 7। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 130 अपॉन 7, तो ये बनेगा 18.557। इसी को मैंने कहा एवरेज वैल्यू या थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी कहते हैं। ये पेपर में आ सकता है एमसीक्यूज में कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब हम जब बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो ये अमाउंट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20 डिवाइडेड बाय 18.57 1.07 है। राउंड ऑफ करके हम इसको 1.08 कर देते हैं। माइंड में देखिएगा हमने किस तरीके से निकाला, 5 शेयर्स के बदले कंपनी 2 राइट दे रही थी, 5 शेयर्स की वैल्यू निकाली, 2 एडिशनल शेयर्स की वैल्यू निकाली, तो टोटल हमारे पास 7 शेयर्स होगा एट अ प्राइस ऑफ 130। तो जब हम 130 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो ये हमारी वैल्यू आती है 18.57। एंड देन हम इस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को डिवाइड करते हैं विद द मार्केट वैल्यू, तो हमारा 1.08 का बोनस निकलता है।
अज्यूम करते हैं 1 जनवरी को हमारे पास थे 100 शेयर्स और कंपनी ने 2 राइट शेयर इशू किए फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। तो अगर 100 शेयर्स मेरे पास थे और कंपनी ने अनाउंस किया है फर्स्ट अगस्त को राइट शेयर्स, तो आई सर क्या था, सबसे पहले आप इस टाइम पीरियड की वर्किंग करोगे। इस टाइम पीरियड में हमारे पास सिर्फ 100 शेयर्स थे, 100 × अप टू द डेट ऑफ राइट, हम इसका टाइम पीरियड लेंगे तो जनवरी से लेके अगर हम July 31st तक काउंट करें, क्योंकि 1 अगस्त की डेट का मतलब है July 31st तक काउंट होगा, तो ये होगा 7/12 और मल्टीप्लाई बाय 1.08 हमारा हो जाएगा बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं राइट शेयर्स कंपनी कितने निकाल रही है इसमें, तो राइट शेयर निकाल रही है 100 × 2/5, तो ये हो जाएगा 40। नए शेयर हमने इशू किए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार 1 अगस्त के बाद मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे विद राइट, तो आप देखा विद राइट आपके पास हो जाएंगे 140 शेयर्स। 140 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिमेनिंग टाइम पीरियड विच इज 5/12, क्योंकि 12 महीने से 1st 7 months पहले हमने अलग कर लिए थे, लास्ट 5 months की वर्किंग हम अलग करेंगे। 1st 7 months में राइट नहीं था लेकिन उसका BF हम मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, और लास्ट 6 months में हम टोटल शेयर्स लेके इनटू 5/12 करेंगे, तो ये हमारे आ जाएंगे वेटेड एवरेज शेयर्स। अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा अमाउंट क्या आता है, 100 × 7/12 × 1.08, ये आता है 63 शेयर्स बिफोर द राइट, एंड आफ्टर द राइट ये वैल्यू कितनी होती है 140 × 5/12, तो ये होते हैं 58.3 शेयर्स। तो इफेक्टिवली कितने शेयर होगा, 58 + 63 दोनों मिला के 121 वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर होगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। रॉबर्ट हार्ट 6,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी। अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो क्वेश्चंस में जो डेटा है वो मोर और लेस सेम ही रखा है। ऑन 1 जनवरी 2003, ऑन 1 अप्रैल 2003 रॉबर्ट इशू 1500 राइट ऑफ 1/4 एट अ प्राइस ऑफ 2.5 वेयर द मार्केट प्राइस इज 4। रिमेंबर दिस पॉइंट के 1/4 राइट कंपनी दे रही है। 1/4 का मतलब ये हर 4 शेयर्स के हर इंडिविजुअल्स के पास 4 शेयर्स होंगे उसको 1 राइट मिलेगा। तो जो 4 शेयर्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू है 4 रुपीज़ पर शेयर, तो ये हो जाएगा 16 का अमाउंट, और जो मेरे पास 1 राइट आ रहा है वो आ रहा है 2.5 का, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.5 के अंदर 5 शेयर्स। तो अगर आपसे पूछूं यार एवरेज वैल्यू या थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कितनी है, तो 18.5 / 5 करूंगा तो मेरी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वाली आ जाएगी 3.7 की, और बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4/3.7,
अगेन मेरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4/3.7 करके 1.08 की। अब हम जब वर्किंग करने जाएंगे उसके अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल शेयर्स जो थे वो थे 6000 अप टू द डेट ऑफ राइट। हमारी डेट आ रही है जनवरी फरवरी मार्च 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1.08 एंड आफ्टर द राइट हमारे टोटल शेयर्स जो हैं वो नए शेयर हमने 1500 इशू किए तो 7500 शेयर्स हैं इनटू 9/12 क्योंकि 12 महीने में पूरे करने हैं तो 3 महीने यहाँ हैं तो 9 मंथ्स को हम यहाँ लेके जाएंगे तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1.08 तो ये हो जाएगा मेरा 1620 और फिर 7500 मल्टीप्लाई बाय 9/12 तो ये आ जाएगा 5625 तो मेरा ईपीएस कितना आ जाएगा 1620 प्लस 5625 तो ये आ जाएगा 7245 दैट विल बी माय टोटल शेयर्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यार ईपीएस कैलकुलेट करना है तो हम इसको साथ साथ अगर हमने एक्सेल पे भी वर्किंग करके देखें ताकि आपको एक्सेल का भी आइडिया हो जाए। आपने कहा मुझे बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा। अर्निंग्स मेरी है 1200 डिवाइडेड बाय जो मेरा वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट किए हैं वो है मेरे 7245 तो मेरा 16.5 का जो है वो अमाउंट बनेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं ताकि हम सेंट्स में वैल्यू लें। ये वैल्यू है हमारी डॉलर्स में और ये हमारा अमाउंट है सेंट्स के अंदर 16.56। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका आंसर है 16.56। अब अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो अगेन इसमें इशू आता है कंपैरेटिव का जैसा कि हमने बोनस में देखा था कि बोनस के अंदर जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके अंदर आप जब कंपैरिजन करने जाएंगे विद द प्रीवियस ईयर सो यू नीड टू रीस्टेट द प्रीवियस ईयर ईपीएस। सो सेम इज़ द केस हियर कि आपने पहले पिछले साल का ईपीएस कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी 18 सेंट्स का और अब जो है वो कंपनी ने जो है वो राइट शेयर इशू किए हैं तो आपको रीस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है रीस्टेटेड रीस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे पिछले साल का जो ईपीएस था हमारा 18 सेंट्स था डिवाइडेड बाय हमारा बीएएफ विच इज 1.08 फॉर दिस क्वेश्चन तो ये मेरा आ जाएगा 16.66 सेकंड। आपको पता चलेगा 16.66 से हम स्लाइटली 16.56 पे आ गए इसका मतलब ये है कि स्लाइटली हमारा अर्निंग्स जो है वो ओवर द पीरियड कम हुआ बहुत लिमिटेड था लेकिन अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ विद द 18 सेंट्स तो आपको लगेगा मेरा ईपीएस एक सब्सटैंशियल वैल्यू से गिरा है और ऑब्वियसली मेरे पूरे कमेंट्स जो है वो एडवर्स हो जाएंगे कंपनी के खिलाफ हो जाएंगे हालांकि मैं कंपैरिजन ही रॉन्ग कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होता है तो लाइक विद लाइक के कंपैरिजन के लिए अगर इस साल आपने राइट शेयर या बोनस शेयर इशू किए हैं तो इस साल अगर पिछले साल को आपको इसको रीस्टेट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग विद द बीएफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है आपके कि सर अगर हमारा ईपीएस जो है बीएफ जो है वो हमारा सॉरी हमारे जो ईपीएस है इसके अंदर एक सवाल के अंदर बोनस भी हो और राइट भी हो तो कैसे रीस्टेट होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर ये दो दफ़ा डिवाइड होगा एक दफ़ा बोनस के फैक्टर से जो बोनस का बीएफ होगा उससे होगा फिर एक दफ़ा राइट के बीएफ से होगा तो अगर ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो दो दफ़ा हमें आपको डिवाइड करके रीस्टेटेड ईपीएस निकालना होगा। हम जो है वो थोड़ा सा कैपलन की किट की तरफ भी
फोकस करते हैं F7 कैप्लन। ये हमारा कैप्लन की किट के क्वेश्चंस की तरफ हमारे, क्योंकि बेसिक ईपीएस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगा हम एक से दो क्वेश्चंस किट के भी साथ साथ अटेम्प्ट करें। यस, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गाफिश, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या व्हाट इज द बेसिक अर्निंग्स पर शेयर टू वन डेसिमल प्लेस फॉर द ईयर। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2007 अकॉर्डिंग टू IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर, जो आपका आंसर होगा वो हमने इन सेंस लिखना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू करें तो देखें, पहली लाइन में इन्होंने कंपनी ने हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। कंपनी ने प्रॉफिट बताया हुआ है, फिर बताया हुआ ऑन, ये देखिए हमारा प्रॉफिट गिवन है, ऑन 1 जनवरी 2007 कंपनी के पास 2.4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे जो फर्स्ट डे से थे, और फिर उन्होंने 1 अप्रैल को 1 for 2 राइट शेयर इशू किए। अच्छा, जब भी राइट शेयर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाएगा, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसके लिए यू नीड द राइट प्राइस। इसके लिए यू नीड द राइट प्राइस एज वेल एज यू नीड द मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब हम सॉल्व करने चलते हैं। डायरेक्ट हम इसको एक्सेल पे सॉल्व करेंगे। फॉर एवरी 2 शेयर्स कंपनी इज गोइंग टू इशू 1 new shares, दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर्स। द प्राइस ऑफ द प्रीवियसली 2 issued शेयर्स इज 2 एंड द न्यू शेयर वॉज इशूड द प्राइस ऑफ 1.4 विच इज द राइट प्राइस। सो बाय मल्टीप्लाइंग दीज 2 figures यू गेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज 4 एंड 1.4 फॉर द 1 new share। So the total shares that we have in issue is now 3 and the total value is 5.4. That's my value. This is the per share value. Now we are going to calculate the average value. Or you can say this as theoretical ex-right price. The total amount divided by total number of shares. On average एक share हमें 1.8 का पड़ता है, तो जब मैं bonus adjustment factor निकालने जाऊँगा तो मुझे निकल लेना पड़ेगा market value which is 2 divided by 1.8, ये मेरा bonus adjustment factor आ गया। अच्छा, weighted average number of shares हम calculate कर लेते हैं। weighted average shares इनिशियली मेरे पास 2.4 मिलियन शेयर्स थे, तो 2400 शेयर्स ले लेता हूँ मैं। 2400 शेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये वेटेड एवरेज शेयर हो जाएगा, किससे, विद द टाइम पीरियड अप टू द डेट ऑफ राइट। टाइम पीरियड इज जनवरी फरवरी मार्च, 3 months बिफोर द राइट, 3/12 इंटू बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर विच इज 1.111। और आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, और आप इसको मैनुअली भी राउंड ऑफ कर सकते हैं।
उसके बाद कंपनी के पास नए शेयर जो आए हैं वो आए हैं कितने, 142। इसका मतलब इसमें नए शेयर इशू होंगे हाफ 1200, 2400 के अंदर नए शेयर होंगे हाफ करके 1200 के। और इस वक्त जो टाइम पीरियड वेटेड एवरेज शेयर्स का होगा वो होगा 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो 9/12 का टोटल शेयर जो मेरे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, और मेरा बेसिक ईपीएस आ जाएगा 3,000 / this figure, तो ये मेरा आ जाएगा 0.89, और जैसे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेंट्स में आ जाएगा, 89 सेंट्स। तो एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि आप आंसर बताएं इन सेंट्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 89 सेंट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है। ये कहता है ऑन 1st January सैम हैड 3 million ऑर्डिनरी शेयर्स इन इश्यू, साल के स्टार्ट पे 3 million शेयर्स थे। ऑन 1st June 2004 सैम कंपनी मेड बोनस ऑफ 143 एंड फर्दर इश्यूड शेयर्स एट अ फुल मार्केट प्राइस 1 million शेयर्स। इसको हम जरा इस पर सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए 1st January को हमारे पास थे 3 million शेयर्स, 3 million को हम 3000 लिख रहे हैं यहाँ पे। देन 1st June को हमारे पास आए बोनस ऑफ 143 बोनस आया, और फिर 30th September को कंपनी ने 1 million शेयर इशू किया एट द फुल मार्केट प्राइस। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बोनस में बताया था कि सबसे पहले हमें BEF कैलकुलेट करना पड़ता है। BEF कैलकुलेट होगा इसका 1 constant + 1/3 रहेगा 1.33 BEF। तो आपने 3000 शेयर्स टोटल है हमारे पास, टोटल शेयर्स लेंगे 3000, इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये 1st January से आउटस्टैंडिंग थे, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं BEF से 1.33 पे। अच्छा, जो बोनस के बाद शेयर आए उस पर BEF अप्लाई नहीं होता, तो हम कैलकुलेशन के लिए एक्सेल को यूज़ कर लेते हैं, = 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.333 यू हैव द वैल्यू ऑफ 3999, तो ये आ जाएगा 3999 अप्रॉक्सीमेटली 4000। फिर आपने जो 1 million शेयर इश्यू किए हैं इसको आउटस्टैंडिंग पीरियड देखना है, खाली फुल मार्केट प्राइस की कोई वर्किंग नहीं करनी होती, सिंपल टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। तो 30th September को आपने इशू किया है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 months का 3/12 ले लूँगा मैं 1 million का, तो मैं ले लूँगा 1000 into 3/12, तो ये हो जाएगा 250 शेयर्स। इन दोनों का ऐड अप कर दूंगा मैं 4249। और अब आपके लिए बहुत आसान हो गया ईपीएस कैलकुलेट करना क्योंकि वेटेड एवरेज शेयर्स आ चुके हैं, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल बताया मैंने 2 million का। तो हम एक्सेल पे काम कर लेते हैं डायरेक्ट बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए, 2000 / 4249 तो आंसर आएगा 47.06 सेंट्स। तो 47.06 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 47.1 सेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा ए। 121 को अगर आप देखें तो 121 के अंदर ड्यूरिंग द ईयर मैक मेड 143 इशू ऑफ 1.6 व्हेन द मार्केट प्राइस इज 2.2, लास्ट का ईपीएस गिवन है 81 सेंट्स। तो आपने 81 को सिंपली इसके BEF से डिवाइड कराना है, तो BEF आप निकाल लेंगे राइट शेयर्स के अंदर आसानी से, और इसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा।
अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास किट में जो है वो डाइल्यूटेड ईपीएस के हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर हम डाइल्यूटेड ईपीएस को जो है वो स्टार्ट करते हैं।